माना कि हमारे जीवन में कई प्रकार से परेशानियां बनी हुई हैं, परंतु ध्यान रखिएगा हमारे परमात्मा की कृपा भी अटूट है, अपार है। और उसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए आज हम समझने वाले हैं आपके ठीक दशम भाव पर मंगल देव जो आपके सुखेश बनते हैं, ये कैसे आपके करियर को एक प्रसिद्धि के स्थान पर ले जाएगा, एक निरंतर सफलता के स्थान पर ले जाएगा। यही नहीं, शनि और शुक्र का एक समसप्तक योग भी बन रहा है। ये दोनों ही ग्रह आपके धन भाव पर ही ये योग बना रहे हैं। क्या होगा, इसका प्रभाव कैसे होगा, इसे ही जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे मंगल देवता। मंगल देव ठीक 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक आपके दशम भाव पर इनका गोचर रहेगा। गोचर का मतलब होता है वो ग्रह आपके दशम भाव पर उपस्थित हो गए हैं। ये मंगलदेव आपके सुखेश होते हैं, अर्थात सुख भाव के स्वामी होते हैं। जब ये मंगल पर आपके दशम पर जाएंगे, ये जिनकी राशि पर जा रहे हैं ये शुक्र की राशि है। माना जाता है तुला राशि जहाँ पर ये गए हुए हैं वो वायु तत्व की राशि मानी गई है, और मंगल देवता स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब अग्नि तत्व के ग्रह वायु तत्व की राशि पर जाएंगे, इसका मतलब अग्नि प्रज्वलित होगी। माना जाता है कि हमारे मंगल देवता जहाँ पर होते हैं हमारी एनर्जी, हमारा साहस, हमारा पराक्रम उस भाव पर स्थित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कर्म क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी इस टाइम पीरियड पर। आप अपने कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हों, या किसी भी कार्य में आप सम्मिलित हों, उस कार्य में आप सबसे ज़्यादा एनर्जिक महसूस कर पाएंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी के प्रतीक माने गए हैं, मंगल साहस के प्रतीक माने गए हैं। और जब साहस के स्वामी का दशम में होना, मतलब अपने कार्य को कैसे मैं बेहतर परिणाम दिला पाऊँ, कैसे मेरे कार्य को बेहतरी की ओर ले जाऊँ, ये आपका प्रथम प्रयास इस टाइम पीरियड पर रहेगा। मंगल का गोचर भी अनुकूल स्थिति पर है, मतलब कि अपने स्थान को ही वो देख रहे हैं, इस कारण से भी एक अच्छा वातावरण देखने को मिल सकता है। मंगल देवता के पास 3 दृष्टियां हैं। इस हिसाब से इनकी जो प्रथम दृष्टि होगी वो आपके 1, 2, 3, 4 आपके अपने लग्न पर ही पड़ने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि मंगल देवता आपके लग्न को देख रहे हैं। जहाँ पर ये 10 नंबर लिखा है अर्थात मकर राशि है। मकर राशि पर मंगल देवता जाकर के उच्च के हो जाते हैं। वो स्थित तो नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि किसी उच्चता से कम नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, मैं अपने कार्य को अच्छी बेहतरी से करा पाऊँ। स्वास्थ्य जनित यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो मंगल स्वयं एक साहस है, स्वास्थ्य में भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये समझना है, लग्न पर जब मंगल का प्रभाव होता है हमारे अंदर एक प्रकार से वो एक सेनापति का एक रुतबा हमारे अंदर आता है। माना जाता है जिसके अंदर सेनापति की भावना हो, मंगल क्या है, सेनापति है, और हमेशा अग्रणी रह करके कार्य करने वाला होता है। इस समय पर आपके जीवन पर भी आप देखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे वो पारिवारिक कार्य हो या फिर सामाजिक कार्य हो, किसी भी कार्य में आप अग्रणी बनकर के अपना भूमिका निभाएंगे और सफलता को आप अर्जित करेंगे। स्वयं आप साहस करने वाले रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके साहस की वृद्धि करेंगे। अब यही नहीं, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का होता है, और मंगल इस स्थान के कारक माने गए हैं। मंगल ही तो है भाई प्रॉपर्टी के कारक, तो प्रॉपर्टी बनाने के दृष्टिकोण से अनुकूल। हाँ, विशेष तो ये हो गया दशम भाव से देख रहे हैं। दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र और चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी। यदि आप अपने काम धंधों में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई आप नवीनीकरण करना चाहते हैं, कहीं ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, या फिर जहाँ पर आप कार्य करते हैं उसमें ही कोई प्रगति करना चाहते हैं, इसके लिए एक सुंदर संयोग ये समय हो सकता है। आप ये जानिए, आप ये मानिए। इसके बाद मंगल के पास एक और दृष्टि है, वो दृष्टि है इनकी अष्टम दृष्टि, और अष्टम दृष्टि से सीधे ये आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा ज्ञान है। दशम भाव से देख रहे हैं आपके पंचम भाव को। इसका मतलब ये हो गया कि कर्म क्षेत्र में मैं ज़्यादा बेहतरी के लिए मैं प्रयास कर पाऊँगा, मेरी निर्णय क्षमता भी इस समय पर अच्छी होगी, जिससे मैं ज़्यादा सफल हो पाऊँ। पंचम भाव हमारे संतान का भी होता है, तो जिनके संतान बड़े हो गए हैं उनका सहयोग, मतलब संतान का सहयोग भी उनके कार्य क्षेत्र में उनको प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ेगी।
चूँकि ये हमारे लव रिलेशन को भी प्रदर्शित करता है पंचम भाव, दशम भाव से ये देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अष्टम दृष्टि है मंगल की, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ कमी आने की संभावना बन सकती है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये तो हो गए मंगल की बात, अब इम्पॉर्टेंट बात पर चलते हैं, सम सप्तक योग। वास्तव में देखा जाए तो जब शुक्र और शनि एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, तब यह सम सप्तक नाम का योग बनता है। इस दरमियान क्या होगा, 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक यह योग बनेगा। होगा क्या कि शनि देवता को आपने देखा, 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब शनि देवता आपके द्वितीय भाव पर, आपके वित्त मंत्री वित्त भाव पर उपस्थित हुए थे। अब यहाँ पर शुक्र देवता गोचरवश 1 अक्टूबर को ही आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हुए। अब इनका संबंध शनि से बन गया, शनि देवता ने दृष्टि दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और शुक्र देवता ने शनि को दृष्टि दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस हिसाब से इन दोनों ही ग्रहों के मध्य शनि ने, शुक्र ने शनि को देखा और शनि ने शुक्र को देखा। देखने का मतलब आप ये समझिए, जिस प्रकार से दो ग्रह एक संग बैठते हैं, जैसे आप ये मानिए दो लोग मित्र हैं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों आपस से मित्रता रखते हैं, और विशेष बात तो ये हो गई कि मित्रता आप किसी मित्र के साथ में हैं, एक संग बैठे हैं, आप कोई अच्छा बेहतर प्रयास कर पाएंगे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दूसरी तरफ आप एक संग नहीं बैठे हैं लेकिन आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दृष्टि संबंध का मतलब भी ये समझिए कि बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पर हमें प्राप्त होना। अब भाई शुक्राचार्य जी महाराज तो आपके योग कारक हैं और आपके पंचमाधिपति हैं, और दूसरी तरफ शनि देवता आपके स्वयं राशि के ही स्वामी बनते हैं और आपके धनाधिपति हैं। इन दोनों का संयोग होकर के कोई विशेष आर्थिक लाभ को आपके जीवन पर परिणित कर सकता है। क्यों करेगा भाई, कि रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? धन भाव पर शुक्र है, अष्टम भाव पर हमारे धन भाव पर शनि है, अष्टम भाव पर शुक्र है, मतलब अष्टम भाव रुकावट का है, गिरावट का है, हमारे गड्ढों में गया हुआ पैसा है, तो एक संयोग बन सकता है, क्योंकि शनि देवता सम सप्तक योग से शुक्र को बल दे रहे हैं। मतलब जहां पर पैसे हमारे फंस गए हैं, कहीं पैसे हमारे जाम हो गए हैं, वहां से भी रिकवरी दिलाने का एक शुभ संयोग आपके जीवन पर परिणित हो सकता है। आप इस बात को जानिए, इस बात को समझिए। धन भाव पर इनका प्रभाव होगा सम सप्तक योग का। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय कैसा होगा, तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, शनि देवता स्वयं वित्त मंत्री वित्त भाव पर हैं और धन के जो अधिष्ठाता ही माने गए हैं, धन के कारक माने गए हैं, यही हमारे शुक्राचार्य जी हैं और शुक्र की दृष्टि है। मतलब कोई ना कोई धन से संबंधित या धन से जुड़ा हुआ कोई कार्य जरूर इस समय पर होगा। और विशेष ये मानिए, यही तो हमारा बैंक का भाव है भाई, बैंकों का भाव है, हमारे संचित पूंजी कितनी है, हमारे पास जमा पूंजी क्या है, क्या स्थिति रहेगी, जब जब जानना होता है तब तब हम ज्योतिषी क्या करते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव है। तो अब शनि पर शुक्र का प्रभाव हो गया, शुक्र आपके पंचमेश हैं, इस हिसाब से आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इन शुक्र की गिनती होती है, और दूसरे भाई आपके राशि के स्वामी तो शनि देवता हो ही गए। कुल मिलाकर के परिवर्तन का एक संचार, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च क्षेत्र में अपना जीवन अपना समर्पित किए हुए हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान पूजा पाठ तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पर बेहतरी और शुभ स्थिति प्राप्त होगी। आप ये जानिए, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन जब इनका दृष्टि संबंध आपके दूसरे भाव को प्रभावित करता है, दूसरा भाव हमारे कौटुंबिक जीवन का है। माना कि आप एक कोई स्त्री है मान लीजिए, और वो अपने घर पर रह करके काम करती है, लेकिन उनके कुंडली में भी या उनके गोचरों में भी यदि शुभ परिणाम है तो उसका प्रतिफल उनके बच्चों को या उनके पति को प्राप्त होगा, ये कभी मत भूलिएगा। क्योंकि जितने सदस्य हम घर में रहते हैं उनके अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव भी उस जो मुखिया होते हैं घर के, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको प्राप्त जरूर होता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो इन दोनों की युति कोई विशेष परिणाम को ला करके, कुछ विशेष परिवर्तन को ला करके भगवान चाहे आपके जीवन पर यहाँ पर परिणित होते हुए आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।